आई, अब हम देखते हैं कि आंतरिक व्यापार में प्रयोग होने वाले प्रमुख जो प्रपत्र हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब व्हाट आर द मेन डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन इंटरनल ट्रेडिंग। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ प्रपत्र आपको दिखाए जा रहे हैं। सबसे पहला प्रपत्र आप देख रहे हैं बीजक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इनवॉइस। बच्चों की जैसे कि आपके पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो बीजक या इनवॉइस होता है, ये जब ट्रेडिंग हो जाती है उसके बाद ये इनवॉइस जनरेट किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, उधार क्रय के लिए विक्रेता से प्राप्त खरीदे गए माल के विवरण को बीजक कहते हैं। हम इसे एक जो है प्रॉपर अगर लैंग्वेज में कहें तो इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, और अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो बीजक या इनवॉइस होता है, जब ट्रेडिंग या व्यापार हो जाता है उसके बाद जो कॉस्टिंग लगती है वस्तु की, उसके सारे डिटेल्स के साथ उसके लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है या एक प्रपत्र बनाया जाता है जिसमें उसकी सारी डिटेल्स रहती हैं। उनमें क्या क्या डिटेल्स हो सकती हैं कि बीजक में विक्रेता का नाम व पता, ठीक है, साथ ही साथ खरीदे गए माल का विवरण, और जैसे कि उसमें उसकी मात्रा हो सकती है, किस क्वालिटी का था, उसकी दर क्या थी, उसका कुल मूल्य कितना हुआ, उसकी बिक्री दर क्या हुई, मतलब कितना डिस्काउंट रेट पे उसे सेल किया गया, उसकी व्यापारिक कटौती आदि लिखा जाता है, और इसे बिल या मेमो भी कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीजक, जिसे हम इनवॉइस कहते हैं, ये क्या होता है, किसी भी ट्रेडिंग के बाद इस डॉक्यूमेंट को जनरेट किया जाता है, और इस डॉक्यूमेंट यानी प्रपत्र को बनाने के समय उसमें ये सारी डिटेल्स भी लिखी जाती हैं। तो अगर हम इसे कहें तो बीजक जो होता है वह एक क्रय व्यवहार का प्रमाण होता है, ये एक प्रमाण पत्र की द्वारा की तरह कार्य करता है, तो इसीलिए हम इसे क्रय बही के आधार पर इसका लेखा किया जाता है। और जब हम कह सकते हैं कि जब ये इनवॉइस जो है वो वस्तु के साथ या उत्पाद के साथ उस कस्टमर तक पहुंचती है, और जब कस्टमर उन सारी चीज़ों को चेक कर लेता है कि इनवॉइस के अनुसार ये चीज़ें इतने वैल्यू पर हमें प्राप्त हुई है कि नहीं, इतनी क्वांटिटी में प्राप्त हुई है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो उस बीजक में टिक कर दिया जाता है, और उसका डिटेल जो है लेखा के अंतर्गत करके उसकी फाइलिंग कर दी जाती है। तो ये हो गया बीजक यानी इनवॉइस। अब हम बात कर रहे हैं सूचनार्थ बीजक की या प्रोफार्मा बीजक। अभी तक हमने जो बीजक की बात की या इनवॉइस की बात की, ये जो होता था जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी तरह के व्यापार के बाद इस तरह के इनवॉइस को जनरेट किया जाता है, ये इस तरह के प्रपत्र को बनाया जाता है। लेकिन जब हम सूचनार्थ बीजक की बात कर रहे हैं तो एक प्रोफार्मा होता है, ठीक है, इसमें जो होता है जितनी भी डिटेल्स दी होती हैं वो अनुमानतः दी जाती हैं, साथ ही साथ ये होने वाले ट्रेडिंग से पहले एज अ सूचनार्थ या इन्फॉर्मेशन के तहत जिसे उपभोक्ता को अगर जो वस्तु लेनी है उस तक पहुंचाई जाती है। तो इसे अगर हम बहुत अच्छी भाषा में परिभाषित करें तो इसमें एक व्यक्ति होता है कंसाइनर और एक व्यक्ति होता है कंसाइनी यानी प्रेषक और प्रेषणी। तो जो प्रेषक के द्वारा जो प्रेषणी तक, ठीक है, क्या क्या जाता है, इस तरह के डॉक्यूमेंट को भेजा जाता है जिसमें कि वो सारे डिटेल्स दिए रहते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड। उसमें क्या होता है कि प्रेषक के डिटेल भी दिए रहते हैं, मतलब कौन से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से या कौन से प्लांट से या कौन सी शॉप से वो वस्तु जा रही है, ठीक है, साथ ही साथ उस प्रोडक्ट की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, उसमें कितने डिस्काउंट ऑफर हो सकते हैं, साथ ही साथ क्या हो सकता है कि कितनी मात्रा तक वो अवेलेबल हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें दी रहती हैं। और ये जो हम कह सकते हैं ये जो बीजक है या सूचनार्थ बीजक जिसे हम जिसकी बात कर रहे हैं, यह एक अंतरिम बीजक की तरह कार्य करता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरिम इनवॉइस। और जब तक क्या होता है, जब तक प्रेषणी के द्वारा ये सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता कि हमें ये वस्तु खरीदनी है और उसके द्वारा व्यापार नहीं कर लिया जाता, तब तक फाइनल इनवॉइस जनरेट नहीं की जाएगी, जिसे हम कहते हैं अंतिम बीजक।
जो इंटरिम इनवॉइस की बात कर रही हूँ मैं या आंतरिक बीजक की बात कर रही हूँ मैं, इसमें जो होता है परिवर्तन होता है तब तक जब तक कि फाइनल इनवॉइस जनरेट नहीं होती। तो इस तरीके से हमने जाना कि जो सूचनार्थ बीजक है वो किसी भी ट्रेडिंग के पहले एक सूचना के रूप में दिया जाता है, और सूचनार्थ बीजक जो होता है वो बीजक की तरह प्रमाण पत्र की तरह कार्य नहीं करता है ना, किसी भी चीज़ को प्रमाणित नहीं करता। तो अगर हम देखें तो ये कहाँ कहाँ और किन किन दिशाओं में इसका प्रयोग होता है। तो जब भी किसी ग्राहक को खर्च सहित माल का मूल्य जानना हो तो उस स्थिति में भी इस सूचनार्थ बीजक का उपयोग होता है। दूसरी स्थिति, जब माल बिक्री व वापसी की शर्त पर भेजा जाए तो उस स्थिति में भी इस सूचनार्थ बीजक का उपयोग किया जाता है। फिर नए ग्राहकों को सूचना देने की स्थिति में इस तरीके के सूचनार्थ बीजक को उपयोग में लाया जाता है, और स्थानीय कर बताने के लिए भी इस तरह के सूचनार्थ बीजकों का उपयोग किया जाता है, और जब माल आढ़तिया या एजेंट के पास बिक्री के लिए भेजा जाता है तो उसके लिए भी इस तरह के बीजक का यानी सूचनार्थ बीजक का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों आपने बीजक और सूचनार्थ बीजक समझ लिया, आशा है इसको आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार दोहरा देती हूँ, बीजक क्या होता है जिसे हम इनवॉइस कहते हैं, ये इनवॉइस ट्रेडिंग यानी व्यापार के बाद इस प्रपत्र या डॉक्यूमेंट को जनरेट किया जाता है या बनाया जाता है, और सूचनार्थ बीजक जो होता है ये जो एक डॉक्यूमेंट होता है ये किसी भी व्यापार के पहले सूचना देने के लिए मात्र बनाया जाता है। दूसरी चीज़ मैंने बताई कि बीजक जो है एक प्रमाणक की तरह या प्रमाण पत्र की तरह इस्तेमाल होता है, और सूचनार्थ बीजक को प्रमाण पत्र की तरह हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये थे बीजक और सूचनार्थ बीजक। अब अगर हम इसके बाद अगले बिंदु की बात करें या जो अगला प्रपत्र है उसकी बात करें वो है डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो क्रेता द्वारा विक्रेता को यह सूचित किया जाता है, एक बात को सूचित करने के लिए भेजा जाता है, इस नोट को हमेशा क्रेता द्वारा विक्रेता को भेजा जाता है, ये बात याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है, उसका जो खाता पत्र है उसमें लिखी गई राशि के माल वापस करने के कारण डेबिट कर दिया जाता है। इसमें माल की मात्रा, दर, मूल्य व माल वापसी के कारणों की जानकारी दी जाती है, ठीक है। इसके भी क्या किए जाते हैं, इसमें जब ये प्रपत्र बनाया जाता है तो ये पत्र की दो कॉपियां या दो प्रतियां बनाई जाती हैं। एक पत्र जो होता है विक्रेता को भेजा जाता है, और जो दूसरा पत्र होता है या प्रपत्र होता है या दूसरी कॉपी होती है वो क्रेता अपने पास आगे आने वाले संदर्भ के लिए कार्यालय में सुरक्षित रख लेता है। तो अगर हम डेबिट नोट की बात करें कि जब भी कोई क्रेता यानी मान लीजिए मैं एक कस्टमर हूँ, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, मैंने कोई वस्तु मंगवाई, ठीक है, अब मुझे क्या हुआ कि उसमें से कुछ वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, जिससे मैंने वो वस्तु खरीदी जिस विक्रेता से, मैं उसे ये डेबिट नोट जारी करूँगी कि सर मुझे इस राशि की या इतनी राशि की ये वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए ये माल पूरी डिटेल्स रहेगी उसमें कि वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं या कौन से उत्पाद हैं, उनका मूल्य कितना था, उनकी मात्रा कितनी थी, वो सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व रहेंगी, और साथ ही साथ उस कंपनी के जो मेन कह सकते हैं हम चेयरमैन होंगे या जो परचेज डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे हैं वो लोग उसमें सिग्नेचर करते हैं। तो इससे पूरी तरह उसकी डिटेल्स जाते हैं किसको पास, विक्रेता के पास, कि हमको इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है इतनी राशि की इन वस्तुओं की, तो इसे क्या कर दिया जाए, इस हमको वापस करना है। तो ये इस तरीके से डेबिट नोट तैयार होता है। उसी तरीके से हम अगला देख रहे हैं क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या होगा, ठीक इसके विपरीत होगा कि विक्रेता द्वारा क्रेता को भेजा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इस तरीके के खाता पत्र में लिखी गई राशि से उसका माल वापसी का दावा स्वीकार किया जाता है, ठीक है, और ये क्रेडिट कर लिया जाता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कि जब विक्रेता ये एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं ठीक है हम अपनी वस्तुओं को वापस ले रहे हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए जब भी कोई इस तरीके का नोट प्रिपेयर किया जाता है तो उसे हम कहते हैं क्रेडिट नोट। तो जैसे कि
डेबिट नोट में हमने क्या देखा कि डेबिट नोट की दो प्रतियां बनी, उसी प्रकार से क्रेडिट नोट की भी दो प्रतियां बनती हैं। लेकिन डेबिट नोट में हमने क्या देखा कि एक प्रति जो है विक्रेता के पास भेजी जाती है और दूसरा क्रेता अपने पास रख लेता है। इसमें क्या होता है, इसमें ठीक विपरीत होता है, क्योंकि ये जो क्रेडिट नोट होता है वो विक्रेता द्वारा क्रेता को भेजा जाता है, तो एक कॉपी विक्रेता अपने पास रख लेता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस, भविष्य में उसकी ज़रूरत होगी इसलिए, और एक प्रति क्या कर लेगा वो क्रेता के पास भेज देता है फॉर इन्फॉर्मेशन या सूचना के लिए। तो हमने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी देख लिया। इसके बाद अगला जो प्रपत्र है वो है वाहन रसीद। अब कोई भी उत्पाद है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना कैसा पॉसिबल होगा, उसके लिए क्या वाहनों की आवश्यकता होगी, यातायात कंपनी हमारी मदद करेगी, तो क्या हम किसी की भी बिना अनुमति के उनके वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, तो इसके लिए यातायात कंपनी के हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। एज अ परमिशन वो हमें एक रसीद या रिसिप्ट देंगे जिसमें कि वो सारी डिटेल्स मेंशन करेंगे, और इस तरीके से वाहन रसीद प्राप्त होगा जिससे कि यात्रा कंपनी जो है माल को स्वीकृत करेगी और वह यह एश्योर करेगी कि वह सुरक्षित उस उत्पाद को या उस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएगी। उसी तरीके से हम रेलवे रसीद जो इसका एक अंतिम प्रपत्र है उसको देखते हैं। रेलवे रसीद का भी सेम काम है, ये भी माल की स्वीकृति के लिए किया जाता है। अब चूंकि जो उत्पाद है वो रेलवे के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होगा, तो इस सिचुएशन में जो रिसिप्ट होगी वो रेलवे से प्राप्त होगी, जिसे हम रेलवे रिसिप्ट कहते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से आपने आंतरिक व्यापार में प्रयोग होने वाले प्रमुख प्रपत्रों को जाना है। आइए, जैसे कि मैंने चर्चा की बीजक और सूचनार्थ बीजक, अब हम इन दोनों में क्या अंतर है उसको जानते हैं। बीजक तथा सूचनार्थ बीजक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस एंड परफॉर्मर इनवॉइस। अंतर का पहला आधार तैयारी का समय लेते हैं। तो बीजक में अगर देखें तो प्रायः वास्तविक बिक्री के पश्चात बीजक को बनाया जाता है, और सूचनार्थ बीजक जो होता है प्रायः वास्तविक बिक्री से पहले तैयार किया जाता है। अंतर का दूसरा आधार हम खर्चे लें तो इसमें वास्तविक खर्चे लिखे जाते हैं बीजक में, ठीक है, और सूचनार्थ बीजक में अगर हम देखें तो इसमें अनुमानित व्यय लिखे जाते हैं। अग्रिम राशि अंतर का तीसरा आधार ले रहे हैं तो बीजक में अगर हम देखें तो इसमें अग्रिम राशि जो प्राप्त हो चुकी है उसे घटाकर दिखाई जाती है, और सूचनार्थ बीजक में अगर हम देखें तो इसमें अग्रिम राशि प्राप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अंतर का चौथा आधार हम लेते हैं उद्देश्य। तो बीजक में अगर हम देखें तो इसका उद्देश्य क्रेता को माल के मूल्य की जानकारी देना है, और सूचनार्थ बीजक में इसका उद्देश्य जो होता है भावी ग्राहकों को माल के अनुमानित मूल्य की जानकारी देना होता है। अब अंतर का पांचवा आधार प्रमाण लेते हैं। तो बीजक को अगर हम देखें तो बीजक इस बात का प्रमाण है कि माल की बिक्री की गई है, और सूचनार्थ बीजक जो है यह प्रमाण नहीं है। अंतर का छठवां आधार हम लेते हैं मूल्य का निर्धारण। तो बीजक हम लेंगे तो बीजक के आधार पर विक्रय मूल्य निर्धारित किया जाता है, और सूचनार्थ बीजक इसमें ऐसा नहीं होता। अंतर का सातवां आधार लेते हैं भूल चूक लेन देन। इसमें हम बीजक में देखेंगे तो इसमें भूल चूक लेनी देनी शब्द लिखना आवश्यक है, और सूचनार्थ बीजक में जो है इसमें यह नहीं लिखा जाता। अंतर का आधार आठवां हम हस्ताक्षर लेते हैं। तो बीजक में देखते हैं इसमें हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं, और सूचनार्थ बीजक में इस पर हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसी तरीके से हम अंतर का नौवां आधार बिल्टी की संख्या लेते हैं। तो इसमें बीजक में अगर हम देखेंगे तो इसमें बिल्टी की संख्या इत्यादि लिखी जाती है, और सूचनार्थ बीजक में इसमें बिल्टी की संख्या लिखने का प्रश्न ही नहीं उठता। अंतर का दसवां आधार जो हम प्रयोग लेते हैं, तो बीजक जो होता है इसका प्रयोग क्रेता के द्वारा किया जाता है, और सूचनार्थ बीजक जो है इसका प्रयोग भावी क्रेता के द्वारा किया जाता है। बीजक और सूचनार्थ बीजक में अंतर जानने के बाद आइए अब हम देखते हैं कि व्यापारिक मदे क्या हैं, यानी टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं।
सबसे पहली बात आती है सुपुर्दगी पर नकदी। जैसे कि ये शब्द बहुत ही सिंपल है कि आप समझ सकते हैं अपने आप से कि जैसे ही वस्तु को क्या होगा, वस्तु डिलीवर होगी कस्टमर के पास, उसे कैश दे दिया जाएगा। तो ये है सुपुर्दगी पर नकदी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से या व्यापारी से, हम कह सकते हैं व्यापारी से, वो उत्पाद उपभोक्ता तक पहुंचता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, उपभोक्ता के द्वारा जब उस वस्तु को स्वीकार कर लिया जाता है, उसके बाद कैश या फिर चेक या फिर अन्य माध्यमों से उसकी जो अमाउंट है या उसकी जो उसका जितना कॉस्ट बनता है, उसकी जो जितने पैसे बनते हैं, वो पैसे सुपुर्दगी कर दी जाती है ना, जहाँ से भी उस वस्तु को खरीदा गया है और जितने अमाउंट में खरीदा गया है, उतने पैसों की सुपुर्दगी कर दी जाती है। तो ये पहली मद थी या पहला टर्म था। दूसरा टर्म है जहाज पर मूल्य। अब ये क्या है, इसमें क्या होता है बच्चों, कि क्रेता व विक्रेता के मध्य अनुबंध तैयार होता है, जिसमें माल जो है वो वहन एवं सुपुर्दगी देने के सभी व्यय विक्रेता द्वारा वहन किए जाते हैं। साथ ही साथ वाहन पर सुपुर्दगी देने पर माल का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित हो जाता है, तब माल का वाहक क्रेता के ऐसे एजेंट की तरह कार्य करता है। सिंपल सी बात है कि जहाज पर मूल्य, मतलब कि केवल जहाज की बात नहीं है, हम ट्रांसपोर्टेशन के सभी मीन्स को ले रहे हैं, चाहे वो जहाज हो, चाहे रेलवे हो, चाहे ट्रक हो, है ना, तो सभी मीन्स को ले रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के, कि एक अनुबंध तैयार होता है क्रेता और विक्रेता के मध्य। इसमें क्या होता है कि जो माल है वो किस पे शिफ्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन पर जाएगा और वहां से होकर के वो क्रेता तक पहुंचेगा। लेकिन क्या हो जाता है, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या सभी व्यय कौन लेगा, इसके सारे खर्च कौन एक्सेप्ट करेगा, विक्रेता जो सेल कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद वाहन पर सुपुर्दगी देने पर माल का स्वामित्व जो है विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित हो जाएगा, और जैसे ही वो माल डिलीवर होता है, पहुंच गया उपभोक्ता तक, वो किसको मिल जाएगा, क्रेता को मिल जाएगा। और जो उस ट्रांसपोर्ट को चला रहा है, चाहे वो बड़ी ट्रकों को चलाने वाला ड्राइवर हो, चाहे वो क्या कह सकते हैं हम उसे, एक जहाज को चलाने वाला व्यक्ति हो, वो सारे लोग जैसे ही उस माल को किसको, क्रेता को देते हैं, वो एक एजेंट की तरह कार्य करने लगते हैं। मतलब इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस आ रहा है या खर्च आ रहा है, उसको वहन कौन कर रहा है, उसको वहन कर रहा है विक्रेता, ठीक है। अगला टर्म है लागत, बीमा व भाड़ा। इसके अंतर्गत क्या होता है, इससे भी प्राय यह है बच्चों कि व्यापारिक व्यवहारों में होने वाले मद से है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य में केवल लागत नहीं बल्कि बीमा व भाड़ा व्यय भी सम्मिलित होता है। ये आपके मन में आए हुए सवाल का जवाब है। जैसे ही मैंने आपको कहा था कि जहाज पर मूल्य ये कौन बियर करेगा या इस एक्सपेंस को कौन अपने उसमें लेगा, मैंने कहा वो विक्रेता लेगा, तो आपके मन में वैसे ही आया होगा कि जब विक्रेता सारे खर्च को लेगा तो फिर उसको प्रॉफिट कैसे हुआ, लाभ कैसे हुआ। तो उस लाभ की बात यहाँ आती, लागत, बीमा पर भाड़ा। यहाँ पे क्या होता है, व्यापारिक व्यवहारों में होने वाले मद में इसके अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य में उन सभी लागतों को जोड़ा जाता है, उसमें बीमा भाड़ा है सभी को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। मतलब ये जो होता है वो डायरेक्ट ना हो करके इनडायरेक्टली वो कॉस्ट एड ऑन हो जाते हैं, तो पूरा पूरा विक्रेता पर नहीं पड़ता, थोड़ा क्रेता पर भी पड़ता है। तो ये जो टर्म या मद तैयार होती है, ये इसे हम कहते हैं लागत, बीमा व भाड़ा। इसके बाद एक और मद आती है जिसे हम ई व ओई कहते हैं, ई व ओई। इस मद से अभिप्राय जब व्यापार हो रहा है उसमें जिन यातायात के साधनों का उपयोग किया गया है, उस समय अगर कोई चीज़ें टूट फूट जाती हैं तो उन्हें ध्यान में रखा जाता है। इस मद के अनुसार मूल्य सूची, बीजक और कैश मेमो, इन सभी
आदि में हो की गई जो अशुद्धियां हैं वह अपूर्व सूचनाएं हैं, उनके लिए उत्पन्न जो वैधानिक दायित्व होते हैं उनको कम करने के लिए इस तरह के ई वो ई जो हम कह रहे हैं वो टर्म को प्लान किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने व्यापारिक मदे यानी टर्म ऑफ ट्रेडिंग को समझा, जिसमें हमने चार प्रकार के टर्म देखे, सुपुर्दगी नकदी, दूसरा हमने देखा जहाज पर मूल्य, तीसरा हमने देखा लागत बीमा, चौथा हमने देखा ई वी ओ ई।